हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल एजुकेशनल लर्निंग प्लेटफॉर्म द एसएम एकेडमी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो बैंक रोड हम लोग ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था उसका एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, उसके बारे में और कुछ डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग ने डिस्कस किया था कि अगर आपको फ्रिक्शन के भरोसे नहीं रहना है सेंट्रीपिटल फोर्स बनाने के लिए, देखो जब भी आप सर्कल में घूमते हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपको चाहिए, और सेंट्रीपिटल फोर्स हमने देखा नॉर्मल केस में फ्रिक्शन फोर्स बनाता है। बट हम लोग को अगर फ्रिक्शन फोर्स पर डिपेंड नहीं रहना है सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, तो हमने एक मेथड खोज के निकाला था, ढूंढ के निकाला था, वो था बैंकिंग ऑफ रोड। और हम लोगों ने उसके लिए डेरिवेशन डिराइव किया, और हम लोग को पता चला कि आप एक वी स्पीड से या वी वेलोसिटी से उस रोड पे एकदम आसानी से एकदम सेफली जा सकते हो, जिसकी वजह से कोई सेंट्रीपिटल फोर्स भी बन जाएगा और आप सर्किलों में जा सकते, ठीक है। फिर हमने सोचा क्या जो हम लोग को वैल्यू मिला था, मैं अगर आपको बता दूँ वैल्यू भी मिला था v इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा अंडर रूट में, क्या हम लोग ने सोचा क्या इससे कम या इससे ज़्यादा स्पीड से नहीं जा सकते। बिल्कुल जा सकते, और यही चीज़ को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्लियर। तो कंसेप्ट पे ध्यान दो, कंसेप्ट समझने की कोशिश करो, दिमाग में बिठाओ, और नोट्स को बनाना बहुत ज़रूरी है, बिना नोट्स के काम नहीं होगा, और प्रैक्टिस करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस बिगिन। ओके, तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी यानी बैंक रोड, अपर लिमिट बोलते हैं, यानी कि बैंकिंग तो कर दिया है और हमें पता चल गया सेफली अगर इस पे जाना है तो अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा वाले स्पीड से हम जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मुझे नहीं चलेगा, मैं थोड़ा राइडर हूँ, मेरे को और भी स्पीड में जाना है, तो क्या मैं कोई भी स्पीड से जा सकता। आंसर नहीं, एक लिमिट है, उससे ज़्यादा स्पीड में गए तो सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं बन पाएगा और जिसकी वजह से आप सीधा निकल लोगे। तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग एक पर्टिकुलर सेफ लिमिट ढूंढ लें, अपर लिमिट, कि उससे ज़्यादा स्पीड हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग लिमिट में रहेंगे, लेकिन हम लोग को तेज जाना है, तो उसको ही हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी ऑन ए बैंक रोड, जिसको हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट, ठीक है। चलो समझते, तो हमारे पास ये एक रोड है, उसको बैंक कर दिया गया, ठीक है, बैन नहीं किया, बैंक्ड किया है, ठीक है, बैंक थीटा एंगल पे, कोई डाउट, बिल्कुल नहीं। चलो आगे, हमारे पास एक व्हीकल है, पुराना व्हीकल है हमारे पास, हम लोग इतने अमीर नहीं है, तो एक पुराना गाड़ी है हमारे पास ये, और ये गाड़ी इस रोड पे चल रहा है, ठीक है। हम लोग को सारे कहानी पता है, फटाफट अभी जितने भी फोर्सेस, रूल नंबर वन सबको पता है, फोर्सेस को बांट लेना चाहिए, चलो ठीक है। ये नीचे आ गया, इसका नाम आप लोगों को पता है, हम लोग एम जी रख सकते हैं, इसके अलावा कोई नाम नहीं रखा जा सकता इसका। और ये नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर काम करता है सरफेस को, और इसका नाम हम लोग एन रखेंगे, इसके अलावा कुछ नाम रख नहीं सकते, ठीक है, इतना हम लोगों को कहानी पता है। अब हम लोग को पता है ये दोनों के अलावा और भी तो फोर्स होते हैं, ये तो वेट और नॉर्मल रिएक्शन हुआ, फ्रिक्शन फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स तो भी बाकी है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो बाद में पता चलेगा कौन बना रहा है, सेंटर की तरफ जो फोर्स होगा। अब हम लोग थोड़ा सा फ्रिक्शन फोर्स को भी ध्यान रख लेते हैं। अब फ्रिक्शन फोर्स किधर काम करेगा, अब हम लोग को समझना, हम लोग किसकी बात कर रहे, अपर लिमिट की बात कर रहे, किसकी बात कर रहे, अपर लिमिट। अपर लिमिट का मतलब होता है हम लोग ऐसे रोड पे सबसे ज़्यादा तेज़ी से कौन से स्पीड से जा सकते हैं। तो अभी मान लो एग्जांपल, ये आपका स्ट्रेट रोड है और ये रोड आगे जाके ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे, ठीक है। अभी अगर मैं इसके ऊपर जा रहा हूँ और मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं बना पाया, तो मैं किधर चले जाऊँगा, सीधा चले जाऊँगा, मतलब हम लोग किधर गिरने वाले हैं, वो साइड गिरे, बाहर की तरफ गिरेंगे। जब भी अपर लिमिट की बात की जाती है, इसको समझना आपको, सबसे तेज़ी से हम लोग जा रहे हैं, अगर उससे ज़्यादा क्रॉस किया हम लोग ने तो हम लोग गिरेंगे, किधर गिरेंगे, बहुत तेज़ी से जा रहे तो बाहर की तरफ गिरेंगे, अगर मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ एकदम धीरे तो मैं अंदर की तरफ गिरूंगा। ये चीज़ याद रखना है, जब हम लोग बहुत तेज़ी से जा रहे हैं अपर लिमिट हाई स्पीड, हम बाहर की तरफ गिरेंगे, किधर गिरेंगे, बाहर की तरफ। तो हमारा ऑब्जेक्ट बाहर जाना चाहता है, इसके लिए फ्रिक्शन फोर्स अंदर की तरफ काम करेगा, सेंटर की तरफ। वाह, मज़ा आ गया, समझ में आ गया फिर से। तो क्या है, जब आप बहुत तेज़ी से जा रहे हो तो आप बाहर गिरने वाले हो, सर्कल ऐसा है, बहुत तेज़ी से जा रहे हो तो आप अंदर नहीं गिरोगे, आप बहुत धीरे धीरे जा रहे हो तो अंदर गिर जाओगे, तेज़ी से जा रहे हो तो आप बाहर गिर जाओगे, तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपको अंदर खींचेगा। तो अपर लिमिट में सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन अंदर की तरफ हो जाता है, तो ये आपका फ्रिक्शन फोर्स, क्लियर हो गया। और यही आप क्या कर लेगा, सेंट्रीपिटल
फोर्स बना देगा। अब बैलेंसिंग करने की बारी आ गई हम लोगों की, चलो बैलेंसिंग कर लेते हैं। अब mg और n तो सेम नहीं दिख रहे, जैसे हम लोग ने देखा था, सेम दिखने के लिए इन लोग को एक लाइन में रहना पड़ेगा, नहीं है तो आप लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं, अगर सेम नहीं है तो हम लोग इसके दो कंपोनेंट बना लेते हैं, एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा। सबको पता है ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, जैसे हम लोग ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, और इसीलिए इसका नाम n cos थीटा हो जाएगा और इसका नाम n sin थीटा हो जाएगा। क्लियर? अब देखो n sin थीटा भी आ गया है सेंट्रीपेटल फोर्स बनाने, फ्रिक्शन फोर्स भी इधर ही काम कर रहा है। क्या ये x डायरेक्शन में या y डायरेक्शन में है फ्रिक्शन फोर्स? नहीं। तो जो भी वेक्टर x और y में नहीं होता, जैसे ये देखो नॉर्मल रिएक्शन, ये x में भी नहीं था, x मतलब ये वाला डायरेक्शन, y मतलब ये, नहीं था ना, दो कंपोनेंट बना लिया। तो एक चीज़ वापस से नोट कर लो, जो वेक्टर x और y में नहीं होगा तो मोस्ट केस में वो क्या करेगा, अपने दो कंपोनेंट बना ले। तो फ्रिक्शन फोर्स को भी दो कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, उसके पास दूसरा कोई हल नहीं है, और इसलिए ये भी क्या करेगा, दो कंपोनेंट बनाएगा। तो ये एक इधर बनाएगा और एक इधर बनाएगा। क्लियर? ओके। अब अगर आप देखोगे ये वाला एंगल थीटा है, देखो ये जेड बन रहा है, ये जेड बन रहा है, जेड बन रहा है अल्टरनेट, तो ये थीटा, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। क्लियर? तो अगर इस वाले का नाम एफ एस है और इधर थीटा है तो इसका नाम हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा, सब लोग को ये बात पता, और इसका नाम हो जाएगा एफ एस साइन थीटा। अब हमारा काम हो गया, सिंपल, कुछ भी नहीं था। ये वाला एन और एफ एस ये एक्स और वाई में नहीं थे, इसके लिए कंपोनेंट बना लिए। ठीक है, अब बैलेंस करते हैं। अब नीचे लगने वाला फोर्स को देखो, नीचे कौन कौन से फोर्स लग रहा है, एक एम जी लग रहा है और एफ साइन थीटा, तो ये दोनों मिलके एम जी प्लस एफ साइन थीटा, ये दोनों मिलके क्या करेंगे, ऊपर लगने वाले फोर्स को बैलेंस करेंगे। ऊपर सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, दैट इज एन कॉस थीटा। क्लियर हो गया? अच्छा, आगे इक्वेशन नंबर वन। अब हम लोग ने वर्टिकल डायरेक्शन में देखा, हॉरिजॉन्टल में देखो, एक एफ एस कॉस थीटा लग रहा है, एक एन साइन थीटा, ये तो नहीं ना, ये तो डिवाइड कर लिया अपने आप के दो पार्ट में, तो ये नहीं आएगा, ये आएगा ही नहीं। एन साइन थीटा और एफ कॉस थीटा, ये दोनों यहाँ पे एफ एस लिख देता हूँ, एफ एस, सॉरी, चलो ठीक है, आप समझ जाना, एफ एस साइन थीटा। यहाँ पे एन साइन थीटा और एफ एस कॉस थीटा, ये दोनों सेंटर की तरफ काम कर रहे हैं, मतलब ये दोनों मिलकर सेंट्रीपेटल फोर्स बनाएंगे। कौन? ये दोनों मिलके। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, ध्यान से देखोगे, एन साइन थीटा प्लस ये कौन है, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, यही बनाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स, इक्वेशन नंबर टू। क्लियर? अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसमें चेंजेस करता हूँ डिवाइड करने के लिए। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखो, ये एम बी स्क्वायर अपॉन आर जो है उसको इधर बुला लेता हूँ और इसको उधर भेज देता हूँ। ठीक है, और कुछ नहीं करूँगा, या तो हमारे ऊपर है कैसे करना है, मैं एम जी को अकेले रख के उधर इसको भेज देता हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो ठीक है, वही काम कर लेते हैं हम लोग। इसको थोड़ा सा नीचे रख देता हूँ और मैं बोलता हूँ ये इक्वेशन नंबर वन नहीं है, बट इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, देखो एम जी को उधर भेज देता हूँ या तो एफ एस साइन थीटा को उधर भेज देता हूँ, तो ये मेरे को मिल जाएगा एम जी इज इक्वल टू एन कॉस थीटा, ध्यान से देखना, और इसको उधर भेज दूंगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस एफ एस साइन थीटा, और ये हमारे लिए इक्वेशन नंबर वन का काम करेगा। ठीक है, और इस केस में पहले इसको लिख देता हूँ, देखो वापस से कोई प्रॉब्लम नहीं, इस केस में ये दोनों मिलके क्या बना रहे, सेंट्रीपेटल फोर्स, तो मैं लिख दूंगा एम बी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू, ये दोनों मिलके बना रहे ना, तो मैं लिखूँगा एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर टू। अब क्या करते हैं, डिवाइड कर दो फ्रॉम वन एंड टू, ध्यान से देखोगे, अगर आप इसको डिवाइड करोगे, डिवाइड नहीं करते, एक काम करते हैं हम लोग, इसको और सिंपल कर लेते हैं। देखो जैसे क्या होगा, डिवाइड करने से साइन अपॉन कॉस टेन बन जाएगा और कॉस अपॉन साइन कॉट बन जाएगा, तो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा, इक्वेशन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हम लोग कुछ और टेक्निक यूज़ करते हैं, मैं क्या करता हूँ, हर एक टर्म को एन थीटा से डिवाइड कर देता, ठीक है, डिवाइड इक्वेशन एंड इक्वेशन टू बाय एन कॉस थीटा, हर एक चीज़ को एन कॉस थीटा से डिवाइड करता हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से, इसको करता हूँ एम जी अपॉन एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एन कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा प्लस माइनस
एफ एस साइन थीटा अपॉन एन कॉस थीटा। ठीक है, क्या किया मैंने, हम लोगों को ये दोनों इक्वेशन जो है इसके हर एक टर्म को एन कॉस थीटा से डिवाइड करना, तो इस इक्वेशन को मैंने एन कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया और यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वेशन ए। ठीक है, ओके। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर टू को भी एन कॉस थीटा से डिवाइड करूँगा। ध्यान से देखोगे, एम वी स्क्वायर अपॉन आर डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एन साइन थीटा अपॉन एन कॉस थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा, और इसको इक्वेशन बी दे देता। अब ए और बी को डिवाइड करता हूँ। ठीक है, डिवाइडिंग बी बाय ए, बी को ए से डिवाइड करूँगा। ठीक है, ध्यान से देखना, ये वैसे का वैसे लिख देता हूँ, बी एम बी स्क्वायर अपॉन आर अपॉन एन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस, चलो ये टर्म लिखा इससे डिवाइड करना, डिवाइडेड बाय एम जी अपॉन एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एन साइन थीटा अपॉन एन कॉस थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा, राइट, अपॉन ये वाला टर्म एन कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा अपॉन एन कॉस थीटा, चलेगा। अब देखो क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो गए, एम और एम कैंसिल हो गया, एन और एन कैंसिल हो गया। ठीक है, जो जो कैंसिल हो गया उसके बाद वाले टर्म को लिख लेता, वी स्क्वायर आर और ये जी एक साथ आ जाएंगे और ये बन जाएगा वी स्क्वायर, ये बन जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू, ध्यान से देखते रहना, ये वी स्क्वायर और ये जी इधर चला जाएगा, बाकी सब तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एन एन कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस क्या देगा आपको, टेन थीटा दे देगा, प्लस कॉस कॉस कैंसिल, एफ अपॉन एन आपको पता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू दे देता है, अपॉन यहाँ पे देखो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा तो वन दे देगा, माइनस एफ अपॉन एन आपको पता है म्यू एस देता है और साइन अपॉन कॉस क्या देता है, टेन थीटा देता है। और ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपका बड़ा प्यारा इक्वेशन है और ये इक्वेशन आपको मैक्सिमम स्पीड लिमिट के बारे में बताएगा। ठीक है, इसको आगे बढ़ा लेते हैं। अब मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता हूँ, ध्यान से देखो यहाँ पे कर लेता हूँ, आर जी को मैं उधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो ये मुझे मिलेगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा प्लस म्यू एस। मज़ा आ रहा है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक बार में नहीं होता, प्रैक्टिस करना पड़ता है, उसके बाद ही हम लोग किसी भी टॉपिक में महारत हासिल कर सकते। वन माइनस म्यू एस टैन थीटा, वन माइनस म्यू एस टैन थीटा, आपको वी चाहिए और यही आपका वी मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी होगा या तो अपर लिमिट होगा, रूट में ले लो और ये हो गया आर जी टैन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन वन माइनस म्यू एस टैन थीटा। और इस फॉर्मूले से आपको पता चल जाएगा कि उस रोड पे आप कितने तेज़ी से गाड़ी चला सकते हैं, उससे ज़्यादा स्पीड में मत जाना, मेरी विनती है, अगर आप उससे ज़्यादा स्पीड में जाओगे तो आप हमेशा के लिए चले जाओगे। ठीक है, तो ये आपका मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी होगा वो बैंक रोड पे। इसमें आप रेडियस रखो उस रोड का, जी की वैल्यू रखो, एंगल रखो, स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू रखो, जो नंबर आएगा उस नंबर को ध्यान में रखना है और उससे ज़्यादा स्पीड को आप नहीं कर सकते, सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं बनेगा जो रिक्वायर्ड है और आप स्ट्रेट लाइन में निकल जाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है, आप इंजीनियर बन चुके, इंजीनियर लोग ये फॉर्मूला यूज़ करके एक वैल्यू निकालेंगे और उसको हाईवे के रोड पे लगा देंगे जहाँ पे टर्निंग रहेगा, ये मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी, इससे ज़्यादा आपको क्रॉस नहीं करना है। तो आई होप कि सब लोग को सारे कंसेप्ट क्लियर में समझ में आ गए, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट है प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक बार में कभी आप नहीं सीख पाओगे, प्रैक्टिस करो खुद से, आप मन से प्रैक्टिस करो, आपको सब कुछ आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे, हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग, थैंक यू वेरी मच।